हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े सरकारी नौकरी चैनल संदीप ज्ञान पे। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी लेके आए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है सीएजी के अधीन। सीएजी की ये वैकेंसी है जिसमें प्रत्येक राज्य से आपको अलग अलग वैकेंसी मिलेगी और यहाँ बिना परीक्षा आपका सिलेक्शन होगा। आपकी फिटनेस टेस्ट चेक की जाएगी, उसके बाद स्किल टेस्ट। तो सबसे पहले हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी दिखाएंगे। तो यहाँ प्रत्येक राज्य से ये गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रहा है, प्रत्येक राज्य से मतलब ऑल स्टेट से ये गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रहा है, ऑल स्टेट से, ठीक है। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, सिलेक्शन संबंधित है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट कितनी है। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में समझ सकें। तो पहले स्टेट की बात करते हैं, कौन कौन से स्टेट से। यहाँ एक नंबर पर आपको स्टेट मिलेगा, यहाँ देख सकते हो असम गुवाहाटी से प्रथम आपको यहाँ वैकेंसी मिल रही है। इसके बाद में वैकेंसी आपको रांची झारखंड से मिल रही है। इसके बाद में आपको शिलोंग से वैकेंसी मिल रही है, भुवनेश्वर से वैकेंसी मिल रही है, अगरतला से वैकेंसी आपको मिल रही है, कोलकाता से वैकेंसी आपको मिल रही है, गंगटोक से वैकेंसी आपको मिल रही है, बिहार पटना से वैकेंसी आपको मिल रही है, रायपुर छत्तीसगढ़ से आपको वैकेंसी मिल रही है, ग्वालियर यहाँ से वैकेंसी आपको मिल रही है। 10 नंबर पर देख सकते हो ग्वालियर के बारे में आपको बताया गया है। इसके बाद में यहाँ मुंबई से वैकेंसी आपको मिल रही है, नागपुर से वैकेंसी आपको मिल रही है, जयपुर राजस्थान से आपको जो है वैकेंसी मिल रही है, राजस्थान जनपद जयपुर से वैकेंसी आपको मिल रही है, और गुजरात राजकोट से वैकेंसी आपको मिल रही है। इसके बाद में सिविल लाइंस न्यू दिल्ली से वैकेंसी आपको मिल रही है, चंडीगढ़ से हरियाणा से आपको वैकेंसी मिल रही है, श्रीनगर से भी आपको इसमें वैकेंसी मिल रही है, और इसके बाद यहाँ अकाउंटेंट जनरल पंजाब प्लॉट नंबर 21 से यहाँ भी वैकेंसी आपको चंडीगढ़ से मिल रही है, इलाहाबाद से वैकेंसी आपको इस रिक्रूटमेंट में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में यहाँ देहरादून से आपको वैकेंसी मिल जाएगी, हैदराबाद से वैकेंसी मिल जाएगी, चेन्नई से आपको मिल जाएगी, तिरुवनंतपुरम से आपको मिल जाएगी, और इसके बाद बेंगलुरु से यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो आप अपने राज्य से इसमें जॉब में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ प्रत्येक राज्य से आपको जो जॉब मिल रहा है और आपके जो स्टेट हैं उनकी जो राजधानी है उनसे आपको वैकेंसी मिल रही है, यानी कि एग्जाम सेंटर जो होगा वो राजधानी या बड़े शहर में आपका एग्जाम सेंटर या जो फिटनेस टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, वो रखा जाएगा। ऑफिस हमने आपको बता दी है, यहाँ जो है 24 यहाँ ऑफिस आपको मैंने बताए हैं उनसे वैकेंसीज आपको मिल रही है। और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, केवल फॉर्म आपको सादे कागज में पेश करना होगा, बिना किसी आवेदन शुल्क के इस भर्ती प्रक्रिया में आप पार्टिसिपेट यानी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ इसमें बताया गया है आपको पेमेंट क्या मिलेगा। यहाँ दो प्रकार की पोस्ट आपको मिलेगी, प्रथम आपको अकाउंटेंट की वैकेंसी मिलेगी और सेकंड वैकेंसी आपको यहाँ क्लर्क की मिलेगी, ठीक है मित्रों। यहाँ दो प्रकार की वैकेंसी आपको मिलेगी, प्रत्येक राज्य से आपको जो मिल रहा है। जिसमें बात करें यहाँ प्रथम वैकेंसी की, अकाउंटेंट में आपको क्या पेमेंट मिलेगा, तो यहाँ इसमें बताया गया पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार इसमें आपको वेतन दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी क्लर्क की, तो क्लर्क में आप देख सकते हो पेमेंट 5200 से लेकर 20200 ग्रेड पे आपको इसमें कितना दिखाया गया है, हम आपको दिखा देते हैं। ग्रेड पे आपको आरएस यहाँ बताया गया है 1900 रुपये यहाँ बताया गया है। इसके बाद में जो हमारी पोस्ट थी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मेन होती है यहाँ इसमें देख सकते हो अकाउंटेंट के लिए जो है बैचलर डिग्री, यानी कि यदि आपने बीए कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, यदि आपने बैचलर डिग्री कर रखी है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में जो क्लर्क की पोस्ट है उसके लिए क्या रखी गई, तो क्लर्क की पोस्ट के लिए जो है यहाँ 12वीं यदि आप पास हैं तो इसमें भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ दोनों प्रकार की पोस्ट आप इसमें देख सकते हो, एक अकाउंटेंट की है एक क्लर्क की है। इसके बाद में उम्र सीमा भी अलग अलग इसमें आपकी रखी गई है, यहाँ इसमें बताई गई है कि 18 से लेकर 27 जो है अकाउंटेंट की है, जनरल एससी एसटी ओबीसी को छूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर छूट होगी। इसके बाद में कलर के लिए भी सेम रखी गई 18 से लेकर 27 वर्ष के जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन टूडे यानी कि कल की डेट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और अब हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल वेबसाइट दिखाने से पहले आप फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप इसका फॉर्म है आप यहाँ देख सकते हो, एप्लीकेशन आपको सादे कागज पे जो है अटैच करनी है, जिसमें आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बैचलर डिग्री 12वीं की या बैचलर डिग्री होने के साथ साथ 12वीं पास का सर्टिफिकेट, और इसी के साथ अंक तालिका सेंट्रल का जो जाति और मूल, और इसके बाद आपका खेल सर्टिफिकेट। यहाँ वैकेंसीज आपको खेल सर्टिफिकेट यानी खेल कोटा से मिल रही है, स्पोर्ट्स के अंतर्गत वैकेंसी मिल रही है, तो स्पोर्ट्स का यहाँ लगाना जरूरी है। तो हम आपको ऑफिशियल जो इसकी
वेबसाइट है वो दिखा देते ताकि आप इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में समझ सकें। तो यहाँ मित्रों ये देख सकते हो, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे, और यदि आपको डिस्क्रिप्शन नहीं चेक करनी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में हम आपको इसका ये वेबसाइट है वो दे देंगे ताकि आप इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में जान सकें और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मित्रों ये 30 सितंबर तक फॉर्म आपको अप्लाई कर देना है, 30 सितंबर तक ये फॉर्म ऑफिस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए, जो आप जिस जगह से अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि राजस्थान से हैं, जयपुर का एड्रेस जो मैंने बताया था उस एड्रेस पे आप सेंड कर सकते हैं। और अधिक जानकारी आप किसी भी साइबर कैफे या रोजगार मित्र पे जाके आप डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपको बोलना है कि सीएजी की जो वैकेंसी से निकल रही है उसका हमें फॉर्म चाहिए, वो आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के दे देगा। तो मित्रों ये था आज का हमारा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से दिखाए जाते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।